गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों आज हम सीखेंगे हाउ टू फिक्स द रिटेल काउंटर। रिटेल काउंटर को कैसे फिक्स किया जाता है, खास करके मैं बात करना चाहूँगा शॉप हो गया या शॉप इन शॉप, कोई दुकानदार को किस तरीके से हम अपने इस बिजनेस को फिक्स कर सकते हैं, इसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा चर्चा करेंगे हाउ टू फिक्स द रिटेल काउंटर। दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी सोच है कि दे जस्ट टॉक एंड पीपल शुड बाय योर प्रोडक्ट, कि वो जस्ट बात करेंगे और लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं होती है कि आपके सिर्फ बात करने से अगर वो लोग प्रोडक्ट खरीद लेते तो दुनिया में बहुत सारी प्रोडक्ट जो है हाथों हाथ बिक जाती। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बात करने से, कहते हैं कि सेलिंग इज नॉट टेलिंग, सेलिंग इज नॉट टेलिंग, सेलिंग जो है वो बात करना नहीं है, आपको उसको ये रियलाइज करवाना है कि जो मेरे पास है उसकी आपको ज़रूरत है और आपकी जो ज़रूरत है वो मैं पूरी कर सकता हूँ आपको। बट रियलिटी इज़ डिफरेंट, यू नीड डायलॉग्स, आपको अच्छे अच्छे डायलॉग बोलना सीखना पड़ेगा। आपको वो कौन सी लाइन है जो वो सुनना पसंद करता है, दे विल ज्वाइन यू जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रीज़न एंड बेनिफिट। कोई भी दुकानदार जो है वो आपको साथ इसलिए नहीं जुड़ेगा कि आपके पास सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है। हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो सबसे बढ़िया क्वालिटी वाली हो, लेकिन वो आपके साथ इसलिए नहीं जुड़ेगा क्योंकि आपके पास एक शानदार चीज़ है। वो अपना बेनिफिट पहले देखता है, सबसे पहले, फिर ग्राहक का देखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो बेनिफिट अपने बारे में देखता है। तो आप इस भ्रम में नहीं रहिए कि आप जस्ट लोगों को बात करोगे और वो आपकी बात सुन लेगा, ऐसा नहीं होगा। आपको बात करने का तरीका, बहुत कुछ बातें हैं जो हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, योर लुक इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आपका जो लुक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप एक आईडी कार्ड जो है, कंपनी के पास ऑलरेडी आईडी कार्ड है, आप मंगवा सकते हो। आईडी कार्ड आपके गले में है तो सबसे पहले उसको लगता है कि आदमी जो है सीरियस है अपने काम को लेके, बिजनेस को लेके, और लोग सीरियस लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, लोग अनाड़ी के साथ काम करना नहीं चाहते। आपको जब वो आपका गले में वो आईडी कार्ड देखता है तो उनको लगता है ये कंपनी का आदमी है। आपका ड्रेसिंग कोड भी बहुत मायने रखता है। अगर आप कंपनी की टी शर्ट पहन लो तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं। अगर आपको, आपके पास जो ड्रेस कोड अगर है, तो मैं ज़्यादातर प्लेन शर्ट और प्लेन पैंट ज़्यादा बेटर रहेगा, इसमें कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। उसमें कुछ शर्ट जो है वो ज़्यादा बेटर है, खास करके वाइट शर्ट, स्काई ब्लू शर्ट, ये जो है वो एक प्रोफेशनल की निशानी है। टूल्स, आप जब काम करने के लिए जाते हो तो अपने साथ जो है हथियार लेकर जाना, जैसे डॉक्टर का टूल्स बैग होता है, लॉयर का होता है, इंजीनियर का अपने साथ टूल्स होता है, वैसे भी आपका जब आप किसी को मिलने जाते हो तो आप एक प्रॉपर टूल्स के साथ उसको मिलने के लिए जाए, प्रॉपर सेटिंग किया होना चाहिए। आई एम पैराबिन फ्री वाला बैच अगर आपने अपने लगाया है अपने टी शर्ट के ऊपर या अपने शर्ट के ऊपर, दिस इज अ मोर वैल्यूएबल। विजिटिंग कार्ड आपका जो है वो विजिटिंग कार्ड आपके पास होना चाहिए, जिससे एक प्रोफेशनलिज्म की एक निशानी दिखती है। आपका बैग जो है वो भी एक मायने रखता है, प्रॉपर होना चाहिए। बॉटम लाइन ये है कि आप कंपनी के आदमी लगने चाहिए, आपको देख के लगना चाहिए कि आप एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हो। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि आपका लुक कैसा है। दूसरा, गो विद द रूटीन, रूट के साथ जाना है, रोड मैप के साथ जाना है। ऐसा नहीं आज सुबह उठ गए और बस चल दिए, ऐसा नहीं होता है। आप एक प्रॉपर लिस्ट अगले दिन बना लीजिए कि मुझे कल किसको किसको मिलना है, कौन से लाइन वाले लोगों को मिलना है। अगर आपके पास एक लिस्ट प्रिपेयर्ड है, यहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है कि जो लिस्ट है वो आपने फेसबुक के माध्यम से, अगर आपने कैंपेनिंग किया है और फेसबुक से आपको लीड जनरेट हुआ है और आप उसको मिलने के लिए जा रहे हो, तो उसका नाम लिस्ट बनाने से फ़ायदा ये होता है कि हमें पता लगता है कि कौन से एरिया के कितने लोग हैं। तो अगर ज़्यादा, सपोज़ कि आपके पास 10 लीड है या 20 कॉन्टैक्ट है, अगर आपका कोई एक एरिया में 5 है तो सबसे पहले उस एरिया में चले जाइए, ताकि हम समय को बचा सकें। सेल्स की दुनिया में वही समय सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस समय आप ग्राहक के सामने होते हो। आपने कितना ट्रैवलिंग किया, कितना समय वेस्ट किया, वो मायने नहीं रखता। कंपनी आपको उसको पैसा नहीं देती है, आपको कंपनी सेल्स का पैसा देती है। अब आप समय बचा के कितना सेल्स जनरेट कर सकते हैं उसी के ऊपर इम्पोर्टेंट है। बिफोर वन डे यू शुड प्रिपेयर, आपको एक दिन पहले आपको उसका तैयारी करना चाहिए।
फाइंड द मैप एंड मेक ए लिस्ट ऑफ शॉप टू अप्रोच। आप उस एरिया में जाने से पहले आप थोड़ा मुआयना कर लीजिए और एक लिस्ट बना लीजिए कि आज मुझे कितनी स्टोर पे बातचीत करनी। गूगल सबसे बढ़िया है, आप गूगल में जाके लिखेंगे कि मेडिकल स्टोर्स इन दिस एरिया, सुपर स्टोर्स इन दिस एरिया, या आपने लिख दिया कि ब्यूटी सैलून इन दिस एरिया, ग्रोसरी शॉप इन दिस एरिया, कॉस्मेटिक शॉप इन दिस एरिया। इस तरीके से आप उन शॉप का नाम और मोबाइल नंबर वहां तक आ जाता है। आज की दुनिया में सबसे लिस्ट बनाना जो है सबसे बड़ा आसान है, क्योंकि इंटरनेट कंप्यूटर सबसे बढ़िया चीज है। दूसरा, आप फेसबुक के ऊपर जब आप लिखते हो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ फलाना एरिया और डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ FMCG इन बड़ौदा, तो यहां से भी आपको बहुत अच्छा एक लिस्ट मिल सकता है। आज की दुनिया में ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट के लोगों ने अपने अपने ग्रुप, इंडस्ट्री के ग्रुप बना रखे हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ऐसे ग्रुप्स हैं खास करके फेसबुक पे। आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। आप डेटा कहां से उठाया वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन कंसर्न यह है कि आप जाने से पहले एक रूट मैप के साथ आप जाइए। मेक ए लिस्ट ऑफ टारगेट पीपल, हेल्प फ्रॉम गूगल लाइक ब्यूटी पार्लर, फ्रॉम फेसबुक लॉट ऑफ ग्रुप कम्युनिटी। तीसरा पॉइंट है What to talk, हमें लोगों से किस तरीके से बात करनी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दोस्तों याद रखिए कि फर्स्ट स्टेप है कि यू गिव योर विजिटिंग कार्ड। जब आप किसी को मिलते हो तो आपका जो कार्ड है सबसे पहले उसको दीजिए, और साथ में आपके पास वन पेजर एक प्रोडक्ट कैटलॉग है वो साथ में दीजिए विथ स्माइलिंग फेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है विथ स्माइलिंग फेस, क्योंकि स्माइलिंग फेस का एक मैसेज है कम्युनिकेशन की दुनिया में, व्हेन यू स्माइल अदर आल्सो विल स्माइल। जब आप स्माइल करते हो एक बॉडी लैंग्वेज है जो सामने वाला भी आपको रिवर्स कर सकते हो सकता है ना भी करे। याद रखिए कि से लाइक दिस गुड मॉर्निंग सर विद द कॉन्फिडेंस। सेल्स जो है वो कॉन्फिडेंस की गेम है, आपको इस तरीके से ओपनिंग करनी है गुड मॉर्निंग सर। दूसरा है टाइमिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। इस खेल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइमिंग। मेडिकल स्टोर वाले जनरली मॉर्निंग में फ्री होते हैं, सम पीपल आर फ्री इन आफ्टरनून। ज़्यादातर मोस्टली बिजनेसमैन जो होते हैं शाम का उनका बिजनेस होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जॉब वाले होते हैं वो शाम को फ्री होते हैं, तो 4 से 9 उनका रश ज़्यादा रहता है। जब वो रश में होता है, जब वो ज़्यादा उनका मतलब कि बिजी शेड्यूल में अगर आप वहाँ जाओगे तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा, और अगर सुन भी लिया तो आपका ऊपर वो एक्शन नहीं लेगा। उसका ध्यान सिर्फ ग्राहक में है, वो आपका ध्यान उनका ध्यान ही नहीं है। तो समय जो है वो बहुत मायने रखता है, किस समय पे आप उससे बात कर रहे हो ये भी आपके रिजल्ट में एक बहुत बड़ा योगदान देगा। आई कॉन्टेक्ट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। दोस्तों आई कॉन्टेक्ट का मतलब ये नहीं कि आप उसकी तरफ देखते रहिए, लेकिन आई कॉन्टेक्ट का मतलब होता है कि उसको अटेंड करना, उसकी तरफ देखना। कुछ लोग उसको देखे बिना ही बातें करते हैं, उनको मन में डर होता है, एक फियर होता है कि वो, मैं आपको बताऊँ कि बस आपको जैसे कोई अगर आपका हाथ कमज़ोर है, अगर इसको आपको मजबूत करना है तो आपको बस एक्सरसाइज करनी है। आपको इस काम में कमज़ोर है कि आप लोग, आपको लोगों से बात करने में डर लगता है। जब आप कोई भी काम बात करना शुरू करते हो, वहाँ दुकान में बैठा इंसान ही है, आप बस बात करना शुरू करें, धीरे धीरे आप देखोगे कि 10 लोगों से मिलने के बाद आप में एक गजब का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और एक दिन देखोगे अगर आप डेली 3 से 4 लोगों को संपर्क कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपका कॉन्फिडेंस आसमान को छुएगा। 15 दिन तक हो सकता है कि आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर मुझे लग रहा है कि रिजेक्शन का डर होता है। उसने बोल दिया अभी मुझे नहीं सुनना है, तो क्या प्रॉब्लम है? हमें अगर यस लेने के लिए निकले हैं तो नो लेने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जितना बड़ा आप हीरो बनना चाहते हो उतना बड़ा इडियट बनने के लिए पहले तैयार हो जाइए, और आपको डरना नहीं है। अगर आप सेल्स की दुनिया में बहुत अच्छा करियर बनाना चाहते हो तो आपको प्रोस्पेक्ट से बात करने के लिए डरना नहीं चाहिए। अब सामने प्रोस्पेक्ट कोई भी हो सकता है, वो दुकानदार हो सकता है, सुपर मॉल हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, कोई सिंगल व्यक्ति हो सकता है, चाहे कोई भी हो। हमें बस अपना जो है प्रोजेक्ट उनको दिखाना है, उनको पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और आप इस तरीके से लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करेगा कि अगर आपने 10 लोगों को कॉन्फिडेंसली बात किया है तो 4 लोग हो सकते हैं आपको आपकी बात सुने, 4 लोग आपकी बात ना सुने, 4 लोग सुनेंगे नहीं सुनेंगे, 2 लोगों को तो पता ही नहीं है। तो इसमें आप बस इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस डेली 3 काम करने। आप देखेंगे एक बार कुछ भी हो जाए, आपको नेगेटिव सोच आने से पहले आप कम से कम 100 लोगों को एक बार मिल ले, इसके बाद डिसीजन ले कि आपका काम चलता है कि नहीं चलता है। मिनिमम 100 लोग मिलने के बाद फैसला करें, क्योंकि मुझे लग रहा है जो भी गड़बड़ी आनी है वो 1 से 20 में आ जाएगी। और अगर आपका 1 से 20 में रिजल्ट आ रहा है तो आप और क्या चाहिए आपको।
लेकिन कम से कम 100 लोगों को मिलने का आप एक मन बना लीजिए कि मुझे इस महीने में 100 लोगों को मिलना, डेली सिर्फ 3 लोगों को बात करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि डिसिप्लिन, आपने जो फैसला किया उस पर कायम रहना। बहुत सारे लोग डिसीजन तो ले लेते, बहुत सारे लोग जिम में फॉर्म तो भरते लेकिन उसको रेगुलर वहां जा नहीं पाते। दुनिया में बहुत सारे लोग काम तो शुरू करते लेकिन अंजाम तक कोई लेके नहीं जाता है। आपको बस 100 लोगों का आंकड़ा एक बार पूरा करना है, इसके बाद आपको बहुत सारा अनुभव आएगा। सिर्फ 100 टॉक तक बात नहीं है, आपको वो बेस्ट 100 रिटेलर ढूंढने हैं जो आपका टारगेट को मैच करे। हमें ऐसे लोगों की तलाश है जो महीने का कम से कम हमें 50-60 हज़ार का बिजनेस दे दे। अगर ऐसे सिर्फ 100 लोग अगर आप अपने स्ट्रक्चर में सेट कर लेते हो तो यकीन मानिए आप लाखों में खेलेंगे, आप फॉरेन कंट्री जितना इनकम कमा लेंगे, आपका जिंदगी सेट हो जाएगा, आपका लाइफ में जबरदस्त यू टर्न आ जाएगा। और उसके लिए अगर वो उस यू टर्न को लाने के लिए अगर किसी लोगों की ना सुननी पड़े तो ये सौदा सस्ता ही है दोस्तों। फिर से बोलता हूँ, जब आप किसी के पास जाते हैं तो एक विजिटिंग कार्ड दीजिए और साथ में एक पेपर दीजिए। जब आप उनको विजिटिंग कार्ड है उसके हाथ में देते हैं और एक वन पेजर प्रोडक्ट का ब्रोशर उसके हाथ में देते हैं तो सबसे पहले वो ब्रोशर देखना शुरू कर देता है। उसी पल आप अपनी जो स्पीच है वो आप शुरू कर सकते हो। इट इज़ नॉट नेसेसरी देयर रिस्पॉन्स लाइक योर्स, जरूरी नहीं है कि उनका रिस्पॉन्स आपके जैसा ही हो। जितनी इज्जत से आप उससे बात कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो आपको उतनी ही रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि आपके जैसे लोग उनको डेली मिलते हैं तो वो एकदम यूज टू हो गए हैं। और इंसान की फितरत है जो चीज़ उसको फ्री में मिलती है वो उसकी इज्जत नहीं करता है। तो बाद में वो आपके ऊपर है आपके कॉन्फिडेंसली किस तरीके से जो है आप उसको अपनी तरफ खींचते हो। दोस्तों एक बहुत सारी किताबें बाजार में मिलती है, हाउ टू बिकम मैग्नेटिक पर्सनालिटी, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लग रहा है कि सबसे पहले आपका अपीयरेंस है, आपके शरीर में से आने वाली खुशबू है। अगर आप उस दुकान में घुसने से पहले आप बॉडी स्प्रे है तो थोड़ा सा स्प्रे करके जाइए, दैट वुड बी मोर बिजी। तो उनका जो सेंस है, जो जो उनका नोज है वहाँ से उनको एक अच्छी फीलिंग आती आएगी। बाद में आपका लुक उनको अच्छी सांत्वना देता है और आपके सेल्स का ये सब भाग है। दूसरा स्टेप है जब आप ये बोलते हो कि सर आई एम मिस्टर जयेश रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑक्सीजन एंड एसेंशियल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो इस तरीके से आप बात कर लिए। जब आप कार्ड और ब्रोशर देते हो, आई एम मिस्टर जयेश प्रजापति फ्रॉम ऑक्सीजन, आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस एरिया एंड मैं आपको हमारी कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ सर। डू नॉट टॉक अबाउट ऑल प्रोडक्ट, यहाँ पे आप सारी प्रोडक्ट के बारे में बोलना नहीं है, आपको टॉप की 10 प्रोडक्ट के ऊपर बोलना है। ऑन विच प्रोडक्ट यू विल स्पीक इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट, आप कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर बोल रहे हो ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर विंटर चल रहा है तो उसके प्रोडक्ट होनी चाहिए, समर चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग बातचीत कीजिए, और अगर रेनी सीजन चल रहा है तो आप उसके हिसाब से बातचीत कीजिए। कौन से समय पे कौन से प्रोडक्ट के ऊपर बात करना ये पहले से ही आपका डिसीजन होना चाहिए। कुछ प्रोडक्ट ऐसी है जो सीजन के हिसाब से नहीं, वो बस आप कोई भी सीजन हो वो चलती रहती है, तो आप उसके हिसाब से बात कीजिए। दूसरा है यू विल हैव वेरी लेस टाइम टू टॉक, आपके पास बात करने के लिए बहुत कम समय होगा क्योंकि उसका कस्टमर कभी भी आएगा। अगर उसका कस्टमर आपकी चालों बातों में आ गया तो वो भटक सकता है। आपका कम्युनिकेशन जब शुरू करते हो तो बीच में क्या होता है कि एक कनेक्शन बैठता है, वो कनेक्शन टूट जाएगा। तो आपको याद रखना है कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको अपने आप को इस तरीके से तैयार कर लेना है, प्रैक्टिस कर करके इतना मजबूत बना लेना है कि 10 मिनट के अंदर अंदर आप अपनी बात कन्वे कर सको। नॉट ओनली कन्वे लेकिन आप सेल को क्लोज कर सको। Our all product has a USP. हमारी सारी जितनी भी प्रोडक्ट है उसके अंदर एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है। यूनिक सेलिंग पॉइंट का मतलब है हर प्रोडक्ट में एक ऐसी खूबी है जो दूसरी प्रोडक्टों में आपको बाजार से नहीं मिलेगी। लाइक इट्स अ पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री, आप यू कैन प्रमोट द लोगो। हमारे प्रोडक्ट के पीछे बहुत सारे लोगो लगे हुए, आप उन लोगों को प्रमोट कर सकते हो। बहुत आप जो भी बोलने जा रहे हो, जो प्रोडक्ट आप उनको देने जा रहे हो, शुरू में आप उनको 2-4-5 प्रोडक्ट या एक प्रोडक्ट से शुरू कर सकते हो, लेकिन एक बार आपके और उनके बीच में ट्रस्ट लेवल क्रिएट हो गया, आपका रिश्ता बन गया, तो बाद में धीरे धीरे आप प्रोडक्ट जो है दूसरी सारे प्रोडक्ट के ऊपर आप उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आवर प्रोडक्ट इज नेचुरल एंड हर्बल एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, ये लाइन है जो आपको अपने स्पीच में यूज करनी है।
सर हमारी सारी प्रोडक्ट यूएसपी है, हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ खासियत है, और सर हमारी प्रोडक्ट नेचुरल है, हर्बल है एंड रिजल्ट ओरिएंटेड है। आप कुछ प्रोडक्ट का डेमो मैं आपको अभी दे सकता हूँ। एंड कंपनी हैव देयर ओन मैन्यू, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन सर कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और ऑक्सीनाइन हैज ओन R&D डिपार्टमेंट एंड इंडिया में उनके 600+ स्टोर है, और 2011 से ये कंपनी कार्यरत है। सो दम कंपनी वीडियो, आप उनके कंपनी को वीडियो दिखाइए, CNF के वीडियो दिखाइए जो ओपनिंग हुए हैं, और कुछ रिजल्ट्स के वीडियो दिखाइए। ये हमेशा आपने अपने मोबाइल में आपको रखना है, ये आपके प्लान का प्रेजेंटेशन का एक पार्ट है जिससे ट्रस्ट गेन होता है। जो भी बातें हम उसको कर रहे हैं उसका ट्रस्ट जीतने के लिए। कहते हैं कि दुनिया का कोई भी सेल्स जो है 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, दे नो यू, दे लाइक यू एंड दे ट्रस्ट यू। 3 चीज़ों में जब आप उनको फुलफिलमेंट ले लेते हो तो दोस्तों यकीन मानिए चाहे सामने कोई भी सेल्स हो, कोई भी आंकड़ा हो, वो सेल क्लोज हो जाता है। अब बात करते कि मैं आपके बेनिफिट ऑफ कस्टमर के बेनिफिट के ऊपर बात करना चाहूंगा। नाउ हियर वी कैन टॉक अबाउट अवर प्रोडक्ट लाइक बेस्ट बेनिफिट फॉर द कस्टमर इज बॉडी बटर। सर हमारा बॉडी बटर है एंड मोरक्कन अर्गन लोशन इज द बेस्ट फॉर पीपल हु इज सफरिंग फ्रॉम ड्राई स्किन। हमारा ये जो 2 प्रोडक्ट है वो ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए एकदम रामबाण है, और हमारी प्रीमियम प्रोडक्ट जो है वो आपके प्रीमियम कस्टमर के लिए है। बाकी सारे प्रोडक्ट जो है सर आप हमारा प्रोडक्ट का रिजल्ट बोलेगा, लोग आपको सामने से डिमांड करेंगे कि आपने बहुत शानदार प्रोडक्ट दिया था, और आपको अच्छा भी लगेगा जब लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे आपने उनको अच्छी प्रोडक्ट दिया है। लेट देम फील, आप अपनी प्रोडक्ट को उनको देखने दे, उसको सुनने दे, उसको टेस्ट करने दे, उसको टच करने दे। आपको जैसे बॉडी बटर है तो एक डब्बा आपके पास खुला होना चाहिए, उनको एक बार बोलिए सर इसमें से थोड़ी लेके आप ट्राई करिए, आप उसको लगा के देखिए। टोनर का आपने डेमो दिया तो वो उनको लगाने दीजिए। इस तरीके डू नॉट मिक्स, आप सारे डेमो जो एक ही हाथ में मत दीजिए, नहीं तो सब मिक्स एंड मैच हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कौन सा फ्रेग्रेंस का कौन सी प्रोडक्ट है। टूथपेस्ट यू गिव देम, आप उनको छोटा वाला जो हमारा टूथपेस्ट है आप उनको एज ए फ्री एज ए सैंपल के तौर पे दे सकते हो कि सर आप इसको जरूर इस्तेमाल करना, आप उसको आप इसके रिजल्ट कैसी है आपको पता लगेगा, और आप मेरे को इसके बारे में कर सकते हैं। तो आप कस्टमर के बेनिफिट के बारे में बात करिए। डेमो बॉक्स जो आपका है वो साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, और टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, इससे आपका सेल्स पे असर पड़ता है, आपका सेल्स लो हो जाएगा। वो देखेगा इसकी वो डेमो बॉक्स को देख के लगता है कि आदमी का हालत भी टूटा फूटा है। एंड इवन देयर आइटम ऑल्सो कीप पैकेड आइटम ऑल्सो एंड सो देम, अपने साथ में कुछ पैक आइटम भी रखिए। डेमो आइटम हो सकता है कि उसका हालत ख़राब हो, लेकिन अच्छी वाली आइटम भी उसको ताकि वो अपनी पैकेजिंग को देख सके, देखिए सर आपको ये प्रोडक्ट आपको आएगी, इतना खूबसूरत उसका पैकिंग है, ठीक है। इस तरीके से जैसे आप टूथपेस्ट को प्रमोट करें तो साथ में बॉक्स वाली टूथपेस्ट भी रखिए, और किस पैकेज में आपको उनको मिलने वाली है ताकि उनका ट्रस्ट लेवल और गेन हो जावे। स्टार्ट विद द फ्यू आइटम्स ओनली, आप थोड़ी सी आइटम के साथ शुरू करें। जैसे अगर विंटर चल रहा है तो बॉडी बटर हो गया, मोरक्कन लोशन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, एलोवेरा जेल हो गया, टोनर हो गया, लिप बाम हो गया, हेयर ऑयल हो गया, पेन ऑयल हो गया, फुट क्रीम हो गया, तो आपको अपने प्रोडक्ट में से कुछ प्रोडक्ट का चुनाव करना जिसमें आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। कौन सी प्रोडक्ट चलेगी ये फैसला आपका है, आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा बोल सकते हो वो प्रोडक्ट बिक जाएगी। कंपेयर देयर हैंड्स आफ्टर डेमो, जब आपने उनको डेमो दिया है तो उनका दोनों हाथ जो है आप उनको कंपेयर करके दिखाइए, देखिए सर हमने टोनर इस हाथ में किया है और वो दूसरा हाथ में टोनर नहीं किया है। और जब आप डेमो दे रहे हो तो साथ में कॉटन, खास करके मेडिकल कॉटन का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि वो साफ सुथरा और वाइटिंग कलर में आता है। जब आप उनको डेमो देते हो तो पूरा डस्ट जो है वो कॉटन के ऊपर आ जाएगा, और यकीन मानिए अगर उसने वहाँ डस्ट देख लिया तो आपका सेल्स कन्फर्म है। एनी इश्यू विद द प्रोडक्ट यू हैव एनी माइका, सर प्रोडक्ट के ऊपर आपको कोई भी चैलेंज आ जाए, सर ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, आप उस पर मेरा नंबर है, मैं इस एरिया में रहता हूँ, और सर कंपनी 2011 से कार्यरत है, और आपका कंपनी का रिव्यू देखना चाहते हैं तो गूगल में सर्च करके देख लीजिए, कंपनी पुरानी है, और कोई भी चैलेंज आ जाए सर मैं आपके आप बस मुझे फ़ोन कीजिए और आई विल बी देयर। आई गॉट मैनी कॉल्स एंड फोटोज ऑफ रिजल्ट्स, दोस्तों मुझे कई लोगों के फ़ोन आते हैं और मुझे उनको आप फोटो दिखाइए कि देखिए ये रिजल्ट आया है, ये व्यक्ति ने ये प्रोडक्ट का ये रिजल्ट है, ये प्रोडक्ट का रिजल्ट है, ये प्रोडक्ट का ये रिजल्ट है। दूसरा ट्राइड, आप इसको एक बार ट्राई करिए, खातरी करीने जुओ, गुजराती पंचलाइन है खातरी करीने जुओ, ये आपकी सेलिंग की पंचलाइन, ये लाइनें आपको बार बार अपनी 10 मिनट के टॉक में जितनी बार बोल सकते हो आपको बोलनी है। आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए, आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए,
ऐसा आपको बार बार बोलते रहना है। यूज दिस लाइन 5 times इन योर स्पीच। रिमेंबर सेल्स इज अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। याद रखिए सेल्स जो है वो एक कॉन्फिडेंस की गेम है दोस्तों। आइदर या तो आप अपनी प्रोडक्ट को बेचोगे या वो अपने बहाने को बेचेगा। पावर हमेशा जीतेगा। इफ यू अलाउ मी आई कैन डू पेस्ट माई स्टिकर। अगर आप मुझे अनुमति देते हो तो मैं अपनी कंपनी का स्टिकर यहाँ पे लगाना चाहूंगा। उसकी अनुमति लेके आपको वहां पे अपना स्टिकर या डैंगलर जो है वो लगा देना है दोस्तों। आप इस तरीके से जो है उनकी अनुमति ले सकते हैं। सो देम मार्जिन सीट, गिव वन टू देम। आप अपने साथ एक मार्जिन सीट लेके जाइए कि ये रहा MRP और आपको किस भाव के अंदर मैं आपको प्रोडक्ट देने जा रहा हूँ और कितने प्रतिशत जो है आपका बेनिफिट है। सो देम मार्जिन सीट। टिक मार्क ऑफ द प्रोडक्ट लिस्ट विच इज ऑलरेडी यू गिवन डेमो। आप मार्जिन सीट में पहले से टिक करके रखे कि आपने उनको कितनी प्रोडक्ट जो है आज अभी दिखाई है, ताकि वो उसको ढूंढने में टाइम नहीं जाना चाहिए। पहले से ही वो टिक मार्क होना चाहिए कि सर मैंने आपको जो जो प्रोडक्ट दिखाई है, बातें करी है, ये प्रोडक्ट है। यूज दिस लाइन, एवरी शॉप कीपर लुक्स टू थिंग्स। आप उनको ये बताइए कि हर जो दुकानदार है वो दो चीजें देखता है, मार्जिन और प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी डिमांड। क्वालिटी वी हैव डिस्कस्ड ए लॉट। क्वालिटी के ऊपर तो मैंने काफी आपसे डिस्कस किया और उसके ऊपर मुझे काफी कॉन्फिडेंस है। अब मार्जिन की बात रही तो मार्जिन की सीट दोस्त सर मैंने आपको आपके हाथ में दे दिया है। एट द इनिशियल लेवल इन क्रेडिट इट्स अ 20%। अगर आप क्रेडिट पे माल उठाते हो सर तो आपको 20% में आपको मिलेगा, और जिस दिन आप कैश में मेरे से माल उठाओगे आपको ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। इवन आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हो कि आप इनको बोलिए कि सर आप प्रोडक्ट रख लीजिए, जो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा सर वो मैं सारा वापस ले लूँगा, ये मेरा कार्ड है और मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। वो नहीं मानता है तो आप उनको क्रेडिट पे भी दे सकते हो कि ठीक है सर एक काम करिए आप प्रोडक्ट रखिए, उसको बेच दीजिए, 7 दिन के बाद मैं आपके पास आता हूँ कलेक्शन के लिए, ठीक है। और अगर वो पैसा दे देता है तो वो बेच देगा। अगर आपने 10 लोगों को पैसा लेके उनको ये बोला है कि सर आप हमारी प्रोडक्ट ले लीजिए, अगर नहीं बिकी तो मैं आपसे वापस ले लूँगा, तो ऐसे अगर 10 लोगों को दिया है तो शायद मेरे लगता है कि 6 लोग माल बेच देंगे। लेकिन जब हम किसी को क्रेडिट पे भी देते हैं तो उसमें चांसेस है कि वो शायद उन चीज़ों को प्रमोट ना करें। उसको हमें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देनी है, उनको एक सोच भी देनी है कि सर आप सिर्फ प्रोडक्ट को साइड पर रखिएगा मत, मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपके जो प्रीमियम कस्टमर है आप उनको जरूर एक बार देखिए, देखिए सर मैं आपका जो इनकम है उसमें कुछ अच्छी बढ़ोतरी कर सकता हूँ और आपको मजा आएगा सर, एक बार आप जरूर खातरी करें, जो वो ट्राई करके देखो, सिर्फ 15 लोगों को हमारी प्रोडक्ट देके देख लिए, आप उनका रिव्यू लीजिए, फिर आप हमारे साथ बिजनेस अपन आगे करते हैं और आपको मजा भी आएगा। एंड इट्स मोर देन दैट बट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग्स। के बहुत सारी दूसरी प्रोडक्ट है लेकिन चलो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। दूसरा हम ये काम और भी कर सकते हैं कि अगर वो अलाउ करता है, परमिशन देता है, तो आप ना उसको बोलिए सर मैं यहीं पे खड़ा रहता हूँ, 1-2 घंटा वहाँ टाइम स्पेंड कीजिए। उस 2 घंटे के अंदर अगर 5-6 कस्टमर को आप डायरेक्ट उनको अप्रोच करके अगर आपने उनको माल बेच के दिखा दिया और आपने 5-7 टूथपेस्ट अगर उनको बेच दिया तो इसका कॉन्फिडेंस आसमान को छू लेगा और ये हो सकता है कि 15-20 आइटम आप कम से कम 20 टूथपेस्ट वो रख ले। तो इस तरीके से आप जो ये जो गेम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बात करोगे तो अपना काम जरूर होगा दोस्तों। आप किसी को मौका देने जा रहे हो, आप किसी से कुछ लेने के लिए नहीं जा रहे हो, लेकिन उसको आप एक धंधा दे रहे हो। कल को वो पैसा कमाएगा, अगर वो महीने का 20-30 हज़ार कमाता है तो साल का लगभग 3-4 लाख रुपया अगर वो कमा लेता है तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। किसी को बिजनेस देना सबसे ऊपर बात है, आप उससे कुछ छीनने नहीं जा रहे हो, तो आपको ना शर्माना है ना डरना है, बात करनी है, बात बनी तो ठीक है, नहीं तो अगले के पास जाएंगे। और यकीन मानिए 100 का आंकड़ा पार करने से पहले आपको अपना मकसद में आप कामयाब होगे, एक दिन आप बहुत खुश होगे। और ये वीडियो सुन के अगर आपको अच्छे नतीजे मिले, अच्छे रिजल्ट मिले, तो मैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप थैंक यू करके आप एक लिखिएगा, ताकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और उसमें और बढ़िया कुछ करने का हमें प्रेरणा मिलती है। पॉइंट्स टू बी टेकन केयर, कि उसमें क्या किन बातों का ध्यान रखना है कि ऑब्जर्व स्पेस फॉर ब्रांडिंग। जब आप उसकी दुकान में घुसते हो तो जगह पहले ही अपना दिमाग दौड़ा दो कि मुझे कौन सा ब्रांडिंग का हथियार यहाँ पे लगाना है।
तो आप यहाँ पे स्टिकर लगा सकते हो, कंपनी की ओर से डैंगलर भी है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से हम चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, या अगर वो अनुमति देता है तो बोर्ड की भी आप ऑफर कर सकते हो कि भाई सर मैं आपको, आपका बोर्ड टूट चुका है मैं नया बनवा देता हूँ, 60% ऐड आपकी रहेगी, 40% में मैं अपना ब्रांड का लगा देता हूँ, इससे आपका बोर्ड नया हो जाएगा सर, उसमें मेरा भी फायदा है और सर आपका भी फायदा है। हमेशा ऑफर ऐसी होनी चाहिए जिसमें दोनों को फायदा होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, ट्राई टू प्लेस योर आइटम ऑन राइट साइड ऑफ द पर्सन, जो व्यक्ति जहां बैठा है उसकी राइट साइड में प्रोडक्ट रखने का आप जगह ढूंढ लीजिए, ये बहुत मायने रखता है। स्टे दिस से दिस लाइन, हेल्प मी टू हेल्प यू इंक्रीज योर बिजनेस, सर मुझे आपको हेल्प करने की हेल्प करने दीजिए। इवन यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट ऑन बोर्ड इफ दे गिव यू नाइस बिजनेस, अगर वो आपको अच्छा बिजनेस देता है तो फ्यूचर में आप उनके दुकान के बाहर अपना जो स्टैंड बनवा सकते हैं, वो 500-600 रुपए में एक स्टैंड ही बन जाएगा लोहे का, और वहाँ पे अपनी ब्रांडिंग करके आप वहाँ रख सकते हो, उसको अच्छा भी लगेगा कि ये व्यक्ति अपना बिजनेस को लेके सीरियस है, उसको लगता है ये सीरियस है इसलिए मुझे सर्विस देगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको दो सबसे मेन ऑब्जेक्शन मिलेंगे। ऑब्जेक्शन का सवाल क्या होता है, ऑब्जेक्शन जब आप किसी को दुनिया का कोई भी सेल्स करते हो, तो वैसे तो ऑब्जेक्शन के ऊपर मेरा पूरा एक सेमिनार है और लगभग 1.5 से 2 घंटे का सेमिनार है, इसी चैनल के ऊपर है, और आप जब आगे देखोगे तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मेरी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो सेल्स के टॉपिक में ऑब्जेक्शन के ऊपर मैंने अलग से पूरा टॉपिक लिया हुआ है, अपने आप में ये 2 घंटे का है, लेकिन हम 2 घंटे यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ मोटी मोटी बातें करते हैं। ऑब्जेक्शन क्या होता है, जब आप कोई किसी को कुछ देने की कोशिश करते हो तो वो ना लेने की कोशिश करता है, इस कसमकस में वही व्यक्ति जीतता है जो जिसकी इच्छा ज्यादा है, उसकी ना लेने की इच्छा ज्यादा है और आपकी देने की इच्छा ज्यादा है। अगर आपकी देने की इच्छा ज्यादा है तो आप उसको जरूर दे दोगे। दोस्तों ऑब्जेक्शन और क्वेश्चन में फर्क है, क्वेश्चन का आंसर होता है कंपनी कितने साल पुरानी है, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गया तो, ये सब चीज़ें होती है। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है बहाना, वो बहाना निकालता है। दुनिया में कोई भी छोटे से छोटा अगर आप केला लेते हो तो हम 4 सवाल पूछते कि खराब तो नहीं हो जाएगा, बिगड़ तो नहीं जाएगा, अरे बाप रे ये तो महंगा है, कल 15 रुपये में आया था आज तू 25 रुपये मांग रहा है, तो वो 10 रुपये का केले के अंदर भी इतने सारे ऑब्जेक्शन को झेलता है, वो बोलता है वो केला अलग है, मेरा केला अलग है, ये लीला है, वो पीला है, ये मोटा है, ये बनारस से आया है, ये पूरा एकदम ये है, बिना खातर का है, ये पता नहीं, ऐसे जो भी डायलॉग्स मारते हैं, उनके पास हर व्यक्ति के पास डायलॉग होते हैं, उसको वो कम ओवरकम करना ही होता है, ये हमारी फितरत है। आज तक हमने कभी भी कोई भी प्रोडक्ट जो लिया है 10 सवाल पूछे बिना हमने नहीं लिया। जब हम फ्रिज लेने जाते हैं, टीवी लेने जाते हैं, इसका वारंटी क्या है, गारंटी क्या है, ख़राब नहीं होता, उसकी स्क्रीन ख़राब हो जाती है, वायर करप्ट हो जाता है, इसका चार्जर बराबर नहीं है, ये वो दुनिया भर के सवाल पूछते हैं, लेकिन लास्ट में हमें लेना ही होता है तो वो सेल्समैन जो है हमें कन्विंस कर लेता है। 2 मेजर ऑब्जेक्शन होते हैं कि सर आपकी प्रोडक्ट की ना कभी टीवी में ऐड नहीं आती है और प्रोडक्ट महंगी है, ये 2 सवाल हो सकता है कि आपको थोड़े से नर्वस कर सकते हैं। ऐसे दूसरे कई सवाल छोटे मोटे होते हैं लेकिन नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। ये सवाल अगर प्राइस की बात आती है तो आप क्वालिटी पर चले जाइए, और एक बार टीवी ऐड तो आप बोलिए कि रिस्पेक्टेड सर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि इन मैनी आइटम्स अवेलेबल Who don't have ads, कि बाजार में ऐसी बहुत सारी आपकी दुकान में ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट अवेलेबल है कि जिसका कभी टीवी में ऐड नहीं आता सर, लाइक मामा अर्थ करके कंपनी है जिसका कभी टीवी में ऐड नहीं आया लेकिन वो कॉस्मेटिक में एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। तो आई ऑलरेडी डिस्कस कंपनी, मैंने आपको पहले ही बताया सर कि कंपनी का 600+ स्टोर हो चुके हैं और हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, और ये हमारी जो प्रीमियम प्रोडक्ट है वो हमारे प्रीमियम कस्टमर के लिए है, और हमारी कंपनी एड पे न जाते हुए वो सारा मार्जिन उन रिटेलरों को देना चाहती है ताकि वो अपनी प्रोडक्ट को और बढ़िया हमारे साथ जुड़ सके। देखिए लोगों को सिर्फ एक चीज़ में इंटरेस्ट होता है, क्वालिटी में, और शॉपकीपर को मार्जिन में। क्वालिटी में आपको दिखा चुका हूँ, शानदार क्वालिटी है मेरे प्रोडक्ट की, बहुत ही ज़बरदस्त है, और मार्जिन भी आपको मैं दिखा चुका हूँ सर, बड़ा शानदार मार्जिन है सर।
और रही बात सपोर्ट की, इसके लिए मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि आप एक बार हमारी प्रोडक्ट खातरी करोगे, टेस्ट करोगे, तो आपको रिपीट कस्टमर मिलेंगे। और प्लेस ओनली 5 आइटम सर, मैं आपको ज़्यादा नहीं, आप 5 से 10 आइटम मेरी लेके देख लिए, आपको यकीन हो जाएगा सर कि वाकई मेरी प्रोडक्ट में दम है। तो ये जो 2 ऑब्जेक्शन है, नो टीवी एड, ऐसा याद रखिए कि ऑब्जेक्शन हर गेम का एक पार्ट होता है, ये हमेशा हर जगह पे होता है, ऐसा नहीं कि आपके ऑब्जेक्शन का मतलब कि रोड के ऊपर जो बम्पर होता है वो बम्प के समान है, जो बम्पर है वो रोड का एंड नहीं है, वो बस थोड़ी देर के लिए आपको अपनी गाड़ी को स्लो करना है, उसको ओवरटेक कर देना है, बम्पर का मतलब गाड़ी को स्लो करना है। ऑब्जेक्शन आता है तो बड़े स्मार्ट तरीके उस सवालों के जवाब दे रहे हैं, ऑब्जेक्शन को आपको, और कोई भी आदमी ऑब्जेक्शन ले रहा है तो यकीन मानिए गुड साइन है, क्योंकि वो आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है। डेंजर तो तब है जब वो कुछ भी सवाल नहीं करता है, कुछ भी बातचीत नहीं करता है, तो होता है प्रॉब्लम। आपने देखा होगा कि जब किसी भी फिल्म के अंदर हीरोइन जो है वो बहुत सारे ऑब्जेक्शन लेती है कि मैं तेरे साथ जो है आगे नहीं बढ़ सकती, रिश्तों में आगे हम नहीं बढ़ सकते, तू बहुत गरीब है, तू बहुत बद्दा दिखता है, तो सही नहीं है, ये है वो है, लेकिन हीरो लगा रहता है। जब वो ऑब्जेक्शन आता है तो वो ऑब्जेक्शन को क्लियर करता है, कि हीरो फिर एक दिन साबित कर देता है कि मैं अमीर नहीं हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं अमीर हूँ, या देखिए कोई बात नहीं है, गरीब जो है तो क्या हुआ, हम गरीबी में भी खुश रह सकते हैं, ऐसा करके हीरो किसी भी तरीके से उसको कन्विंस करता है, और इसी हीरोइन के साथ 15 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद उनका स्टोरी आगे बढ़ता है। वैसे ही जो यकीन मानिए आप हीरो हैं और आप जब आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, आपकी हीरोइन है, तो शुरू में हीरोइन जो है नखरे करती है और आपके साथ भी करेगी, और आप सही ढंग से बात करोगे। दुनिया में हर व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए बिजनेस खोला है, उसने सेवा करने के लिए नहीं, आप उनको ये दिखा दीजिए कि आपको कितना मार्जिन मिलेगा और आपका कस्टमर आप खुश रहेगा और मैं आपको सर्विस देने के लिए तैयार हूँ, तो यकीन मानिए वो हाँ बोलेगा और डेली 3 शॉप जो है आप जो है स्टोर करके आओगे। सो योर ऑर्डर बुक टू देम, जब भी आपके पास अगर पुराने कोई ऑर्डर है तो उनकी बुक में उनको दिखाइए कि देखिए बगल वाले भाई साहब ने मुझे इतने का ऑर्डर दिया, ये वाला भाई साहब ने मुझे, तो वो डर जाएगा कि अगर अगल बगल में सबका ऑर्डर लेके आया है मेरी दुकान में, मेरे कस्टमर उसके पास चले जाएंगे, ये डर उनके अंदर होता है। और मैं तो बोलता अगर आपके पास ऑर्डर बुक में ऑर्डर नहीं है तो आप दूसरे 2-4 ऑर्डर लिख भी सकते हैं दिखाने के लिए, और जब आपके पास जेन्युइन आ जाए तो उनको दिखा दीजिए, लेकिन पुराने ऑर्डर दिखाने से आपको काफ़ी फायदा होगा। इन द लास्ट ask for order, सीधा ऑर्डर के लिए बातचीत करके आप ask like this is this like this sir give me order, ask directly like how many toothpaste should I write sir, मैं कितना toothpaste लिखूं सर, body butter कितने लिखूं, और take order only for those items, order उसी चीज का लीजिए जिसका आपने demo दिया, जिसके बारे में आपने बातचीत की है, ठीक है। Do not worry order size in first, आप order के size से चिंता मत करिए, अगर उसने शुरू में आपको वो छोटा order ही देगा, क्योंकि यहाँ पे पीछे पीछे वो धीरे धीरे बाद में बढ़ता रहेगा, लेकिन शुरुआत में आपका trust इतना उनके पर establish नहीं हुआ है, इसलिए वो छोटा order देगा। लेकिन जब आप उनको बार बार मिलोगे, वो भी कैसे हो सर, जब आप किसी को 3 बार से ज़्यादा मिल लोगे तो आपको लगेगा कि मैं इनको बरसों से जानता हूँ, और 5 बार के बाद तो ऐसा लगेगा जैसे वो आपकी फैमिली का मेम्बर है, ठीक है। तो आपको बस रिश्ता कायम करना है, रिमेंबर इंक्रीज अ रिलेशन विद देम, हमें धीरे धीरे आपका उनका रिश्ता स्ट्रांग करना है। तो आपको इसके ऊपर किताबें पढ़नी चाहिए कि किसी के साथ किस तरीके से कम समय में मैं रिश्ते बना सकूं। खास करके मेरा रिकमेंडेशन है कि लोक व्यवहार किताब है डेल कार्नेगी की, ये आपको 4-5 बार पढ़नी चाहिए, जिससे किस तरीके से मैं लोगों के साथ बहुत कम समय में रिश्ते बना सकता हूं। ठीक है, उनको उनके नाम से बुलाइए, जब भी आप इनको उनके नाम से बुलाते हैं तो उनको लगता है कि ये आदमी मुझे पहचानता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसान को पसंद है उनका नाम। कीप डेटा फॉर रिपीट ऑर्डर, आप अपने पास डाटाबेस रखिए कि पिछली बार मैंने इस व्यक्ति को मैंने इस तारीख को ऑर्डर दिया था, अब ये 10 दिन हो चुका है, मुझे उसको मिलना चाहिए। अगर आपके पास डाटा नहीं होगा तो आप दोबारा विजिट नहीं कर पाएंगे और आपकी मेहनत जो है बेकार चली जाएगी, इसलिए आपको हो सके तो डायरी में, और हो सके तो सबसे बढ़िया रहेगा अगर आप एक्सेल की शीट में इसको देखते रहे कि इस व्यक्ति के पास अभी ऑर्डर खत्म हो गया होगा, आप उसको रिपीट कर सकते हो। लॉ ऑफ एवरेज ऑलवेज वर्क, याद रखिए लॉ ऑफ एवरेज दोस्तों हमेशा काम करता है। अगर आप 10 लोगों को मिलते हो तो 10 में से कम 5 लोग आपको आपका सेल हो ही जाएगा,
अगर आप 10 को नहीं, पहले तो अपना विजन बना लीजिए कि मुझे घटिया से घटिया कम से कम मिनिमम 100 लोगों को एक बार मिलना है, फिर आपको नेगेटिव होने का अधिकार है कि मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है। और 100 लोगों को तक तो दूर की बात है, अगर 20 लोगों को मिलने के बाद अगर आपको नतीजा नहीं मिलता है तो आप तुरंत अपने सीनियर के साथ संपर्क कर सकते हैं और उनको अपनी पूरी स्टोरी बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कतें आ रही है। आप उनको अपने साथ में बुला सकते हैं कि सर आप एक बार मेरे साथ चलिए, मुझे 4-5 दुकानों में करके दिखा दीजिए, मैं फिर अपना कॉन्फिडेंस और इसको पकड़ लूंगा सर। तो अपने सीनियर से बात करनी है इस तरीके से। इंक्रीज योर सेलिंग स्किल मोर शार्प, आपको अपनी सेलिंग स्किल को और धारदार बनाना है। अगर कोई मुझे बोले कि सर आपके पास 10 घंटे है पेड़ काटने के लिए, तो मैं ऐसा प्रीफर करता हूँ कि मैं तो 8 घंटे जो है कुल्हाड़ी को तेज करने में, घिसने में लगाना चाहूँगा, मैं सिर्फ 2 घंटे काम करके वो सारे पेड़ काटना चाहूँगा। बहुत सारे लोग सुबह से पेड़ काटने में लग जाते हैं और उनका कुल्हाड़ी उतना धारदार नहीं रहता है। आजकल YouTube के माध्यम से अब बहुत सारा ट्रेनिंग फ्री में उपलब्ध है। आप बस YouTube में लिख दीजिए सेलिंग स्किल, आप जिस चीज में कमजोर है, कि जैसे रिश्तों के ऊपर कमजोर है, आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, आप डाल दीजिए YouTube में, YouTube आपको अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर, जैसे आज मैं ये रिकॉर्डिंग बना रहा हूं, तो ये कोई भी अगर डालेगा तो इसको ढूंढ लेगा कि किस तरीके से रिटेल काउंटर को सेट करते हैं। तो YouTube एक अच्छा माध्यम है जहां से आप अपनी सेलिंग स्किल को, क्योंकि सेलिंग जो है उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे कि कैसे कस्टमर से, हाउ टू ओपन, हाउ टू क्लोजिंग, हाउ टू डू प्रेजेंटेशन, हाउ टू डू फॉलोअप, कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग, हॉट प्रोस्पेक्टिंग, कैसे एक सेल्स को बड़े सेल्स में तब्दील किया जाए, कैसे ना को हमें तब्दील किया जाए, ऐसे ढेर सारे सब्जेक्ट है अब YouTube में, ये सारे अवेलेबल है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सबसे मेन टॉपिक है, ये सारी चीज आपको YouTube के माध्यम से मिल जाएगी। बी मास्टर इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अप्रोच, प्रोस्पेक्टिंग, क्लोजिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग, इन कामों में आप किताबें और YouTube पे आप अपना नॉलेज को डेली 1 घंटा अपने दिमाग को दीजिए, यकीन मानिए 1 साल के बाद आप वो शमशेर तलवार की माफिक बन जाएंगे। सेल्स आपकी आपके कदमों में पड़ा रहेगा और या तो आप मैन्युफैक्चरर बन जाइए या सेलिंग बन जाइए। जो आदमी सेलिंग में मास्टर बनता है वो कभी भूखे नहीं मरता है, वो सारे सपने जीवन के पूरे करता है, अपने परिवार की सारे सपने पूरे करने का दम रखता है। वंस यू बिकम द मास्टर इन योर वर्क, यू कैन टीच इन योर टीम, और जिस चीज का आपको मास्टरी आ जाता है आप अपनी टीम में उन चीज़ों को नॉलेज प्रोवाइड करवा सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो कॉन्फिडेंट, क्योंकि याद रखिए जो चीज़ आपके पास नहीं है आप दूसरों को नहीं दे सकते। आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास पैशन नहीं है, आपके पास जुनून नहीं है, आपके पास विश्वास नहीं है और आपके पास रिजल्ट नहीं है, तो आप दूसरों को वो चीज़ कैसे दे सकते हैं जो आपके पास है ही नहीं। इसलिए सबसे पहले खुद सक्सेस होइए, करके दिखाइए और उस खुशी को, उस नॉलेज को, उस एक्साइटमेंट को आप लोगों में बांटिए और देखिए क्या करिश्मा होता है। क्योंकि एक अकेला अगर इतना, एक गाय इतना दूध देती है, अगर 100 गाय होगी तो कितना, 1000 गाय होगी तो कितना दूध देगी। तो इस तरीके से आप अपना पूरा डेयरी फार्म खोल सकते हो। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल को अदरवाइज में मत लेना, मेरा एग्जाम्पल है कि आप 1% डुप्लीकेट हुआ तो अगर महीने का 2-3 लाख का बिजनेस करा, अगर 100 लोगों को किया तो कितना हो जाएगा। डेटा इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, वॉच रेगुलर, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप रेगुलर के ऊपर इस डेटा को मुआयना करते रहिए। यू विल बी मास्टर इन काउंटर सेट आफ्टर प्रैक्टिसिंग मैनी टाइम्स, आप एक दिन काउंटर, कहते हैं कि जिस चीज की आप प्रैक्टिस करोगे तो आप रोज खाने की प्रैक्टिस कर रहे हो आप खाने के मास्टर बन गए, आप चलने की प्रैक्टिस की, आपको एक दिन चलना नहीं आता था आप चलने के मास्टर हो गए, साइकिल नहीं आती थी, बाइक नहीं आती थी, गाड़ी नहीं आती थी, लिखना नहीं आता था, कपड़े पहनना नहीं आता था, सोने का समझ नहीं था, रोता रहता था, लेकिन वक्त के साथ वो प्रैक्टिस करके आप उसमें माहिर बन गए। ठीक उसी तरीके से एक दिन आपको, आज आपको काउंटर सेट के अंदर चैलेंज है, लेकिन अगर आप इसमें लगे रहेंगे तो महीने के अंदर अंदर आप इसके कलाकार हो जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं। बस पागलों की तरह, एक जड़ की तरह आपको बस 100 लोगों तक पहुंचना है, आप नतीजा कुछ नया अनुभव प्राप्त करोगे। दोस्तों शर्माने की जरूरत नहीं है, अगर आपको शर्म आनी चाहिए तो एक्चुअली आपका बैंक बैलेंस देख के आपको शर्म आनी चाहिए कि आपका इतना उम्र हो गया, इतना बड़ा शरीर है, इतना पढ़ाई किया, लेकिन बैलेंस देख के आपको शर्म ही नहीं आती है। आपको घर वालों की जो रिक्वायरमेंट हम फुलफिल नहीं कर पाते वो चीज़ देख के आपको शर्माना चाहिए, आपको मेहनत करने में शर्माना नहीं चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए। और आप नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा नहीं करने वाला, दूसरे लोग लगे हुए हैं और वो अपने सपने पूरे कर रहे हैं, आप नहीं निकल रहे हो तो आपको बस रोते रहना है। यू कैन कन्वर्ट द बेस्ट रिटेलर इन टू फ्रेंचाइजी, और कोई आदमी आपके पास अगर 100 रिटेलर है और उसमें से अगर कोई आपको अच्छा आदमी दिखता है,
उसका नेचर अच्छा है, लर्निंग एटीट्यूड है, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, बाजार में इसकी इज्जत है, प्राइम लोकेशन पे है और थोड़ा सा उसके पास जगह भी है डेवलप करने का, तो आप उसकी फ्रेंचाइजी में उसको तब्दील कर सकते हैं। इसको बोल सकते हैं कि सर अगर आपका स्थल 30-40 हज़ार से ऊपर गया तो आप फ्रेंचाइजी भी आपको कंपनी दे सकती है। इस तरीके से आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों अंत की तरफ चलते हैं, दिस इज द लास्ट स्लाइड। तो फिक्सिंग काउंटर मींस व्हाट? फिक्सिंग काउंटर का मतलब ये नहीं होता है कि आपने एक बार कहीं पे प्रोडक्ट का प्लेसमेंट कर दिया तो आप सक्सेस हो गए, ऐसा नहीं है। वो अभी पहला स्टेप है। इसके बाद किस तरीके से उसका वॉल्यूम 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000 रुपया पर मंथ जब तक वो नहीं पहुंचता है, आप बस लगे हुए हैं और लगे रहना है। दोस्तों एक बार प्रोडक्ट रखने से आप काउंटर सेट नहीं कह सकते। काउंटर सेट का मतलब, सेट का मतलब है कि टर्नओवर फिक्स, आपकी रिक्वायरमेंट टर्नओवर जब फिक्स हो जाती है तो हम उसको बोल सकते हैं। फॉर व्हाट यू हैव टू गाइड देम, इसके लिए आपको उनको कंटिन्यूस गाइड करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, रेगुलरली ब्रांडिंग भी करनी पड़ेगी और उसको किस तरीके से दिमाग लगा के हमें उसकी वॉल्यूम को बढ़ा के दिखाना है। इवन यू हैव टू डू सम ब्रांडिंग लाइक ए स्टिकर्स, डेंगलर्स, डेमो, फ्री प्रोडक्ट डेमो और ओवर देयर, उसकी दुकान के आसपास में, उसकी दुकान में, उसकी दुकान के बाहर सम कॉम्बो ऑफर लाइक विद अदर प्रोडक्ट नॉन प्रोडक्ट। आप उसके साथ दिमाग लगा के एक मेरे पास एक आइडिया है कि जैसे कि आपकी उसकी कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बिक रही है तो उनके साथ वो प्रोडक्ट फ्री, कि अगर आप 10 किलो ये प्रोडक्ट लेते हो तो आपको साथ में हमारी कंपनी का ये प्रोडक्ट आपको फ्री में आएगा। इस तरीके से आप वो कोई कॉम्बो भी बना सकते हैं कि कोई जो रनिंग आइटम है उनके साथ ये प्रोडक्ट अगर वो सेट करता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है। ये एक बहुत ही शानदार कारगर है कि जो सक्सेस चीज है उसकी, जो मेन चीज है उसकी, जो उसकी रेगुलर जाती है, उसके साथ में किसी जो नई प्रोडक्ट है उसका कॉम्बो बना सकते हैं। इस तरीके से जो है हम अपनी एडवर्टाइज को कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने कर सकते हैं। और लास्ट में, हु इज योर पोटेंशियल कस्टमर एज ए फ्रेंचाइजी और CNF, कि कौन सा आदमी आपके, कौन सा आदमी है जो आपके लिए सबसे बढ़िया फ्रेंचाइजी और सबसे बढ़िया CNF। पहला मेरे ख्याल से जो ऑलरेडी इस बिजनेस में हो तो बहुत बढ़िया, इससे हमें फायदा मिलता है। जब आप नए व्यक्ति को बिजनेस में उतारते हो तो बिजनेस खड़ा करने के लिए 2 से 3 साल का समय लगता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी इस बिजनेस, कहीं कोई भी बिजनेस कर रहा है तो उसके पास घटिया से घटिया कम से कम 1,000 कस्टमर का उसके पास बेस है। आप उस बेस का इस्तेमाल कर लोगे और आप जल्दी से उसके नेटवर्क में फैल जाओगे। देखो आप कितनी, आपको आपको बेचने में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब वो अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को जब बोलता है तो उसका, उसने उसके क्लाइंट का एक ट्रस्ट गेन किया होता है। वो जब बोलता है कि ये बड़ी शानदार प्रोडक्ट है, आप इसको लेके देखिए, तो वो निकल जाएगी। Who has a prime locations? दूसरा, किसी के पास बहुत ही शानदार लोकेशन है, शाम तक वहाँ फुटफॉल से हजारों की तादाद में कस्टमर शाम तक उस एरिया में, उस पॉइंट्स पे आते हैं, तो ये आपका एक बढ़िया जो है पोटेंशियल कस्टमर है। Who is ready to invest as a store? दूसरा, जो व्यक्ति इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है और ब्रांडिंग के लिए भी रेडी है और स्टोर जो है, स्टोर अगर है उसका तो उसकी अच्छी खासी उसकी जो है वॉल्यूम निकलेगा, और अगर उसके अगल बगल में ज़्यादा दो तीन और 4-5 दुकानें हैं तो जब दूसरे कस्टमर दूसरी प्रोडक्ट लेने के लिए आते हैं तो कस्टमर की एक आदत होती है, वो घुसता है देखता है अगल बगल में, तो हमें ऐसी जगह भी ज़्यादा पसंद करनी चाहिए जिसकी अगल बगल में कोई हो। दूसरा, रेडी टू लर्न एंड वर्क एंड इन्वेस्ट कैपेसिटी, दूसरा वो सीखने के लिए, काम करने के लिए और इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी अगर उसकी अच्छी है और रेप्यूटेड व्यक्ति है बाजार में, उसकी एक इज्जतदार व्यक्ति है, उसके खाली खड़े रहने से, इसके बोलने से प्रोडक्ट बिक जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति को हमें फ्रेंचाइजी या CNF देने के बारे में सोचना चाहिए। और इस तरीके से आप अपने काउंटर को फ्रेंचाइजी में तब्दील कर सकते हो और फ्रेंचाइजी को CNF में तब्दील कर सकते हो। तो मेन चीज है हमारा इस कंसेप्ट के अंदर, आपको डरना नहीं है, आपको बस बॉटम लाइन यह है, आप बस 100 लोगों को मिलिए, आपका काउंटर सेट होगा, यकीन मानिए। आप बस शुरू कीजिए, जो भी गड़बड़ी हो रही है, जो भी तकलीफ आनी है, और वो सिर्फ पहले 10 में आ जाएगी। और मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी गड़बड़ी नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा आपको मना कर देगा तो ठीक है, अगर आप नहीं मिलोगे तो पहले ही उसका मना है, लेकिन मिलने से चांस ले रहे हैं हम, हो सकता है कि बाद में वो हाँ बोल दे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में के अंदर आपको कमेंट्स करना है, और अगर आपको इससे नतीजे मिलते हैं तो आप पर्सनली दोबारा के, सर मैंने इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी मास्टरी बना हूँ और मेरा इतना काउंटर मैंने सेट किया, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, समझा, इसको 2-3 बार और सुनिए, उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए,
तब जाके आप इसमें मास्टरी आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा भी अगर इसको काम करते समय आपको कोई तकलीफ आ रही है, ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं और हम जरूरत पड़ेगा तो आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।